हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 पूरी ट्राई कर ली होगी और आइए डिस्कस कर लें पूरी एक्सरसाइज 6.1। आइए एक एक सवाल करके करते हैं। लेट अस बिगिन विद फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो एक एक क्वेश्चन करके करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को देखें, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है ये। फिल इन द ब्लैंक्स हैं इसके अंदर, तो अपन भी यहीं कहीं भर देंगे और इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं ताकि जगह भी हो जाए और समझ भी जाए। तो पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है और फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कहा जा रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। जो आगे ब्रैकेट में दो वर्ड गिवन है, इनमें से कोई एक करेक्ट वर्ड है और वही अपन को इसमें भरना है। सबसे पहला वाला कहता है कि ऑल सर्किल्स आर, जितने भी सर्किल्स होंगे, अब आगे दो ही शब्द हैं, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकते। कॉन्ग्रुएंट का मतलब भाई एंगल भी सेम, लेंथ भी सेम, दोनों एक दूसरे की बिल्कुल फोटोकॉपी। तो दो सर्किल जरूरी नहीं कि हमेशा एक दूसरे की फोटोकॉपी हो, लेकिन हाँ कोई भी दो सर्किल होंगे सिमिलर होंगे ही होंगे। तो यहाँ हम भर सकते हैं सिमिलर। तो पहला वाला हमारा हो गया। दूसरा वाला ऑल स्क्वायर आर, फिर वही लॉजिक अपन देंगे कि सारे स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब है सारी की सारी लेंथ सेम। हाँ, लेकिन सारे स्क्वायर सिमिलर जरूर हो सकते हैं। तो यहां पर भी शब्द आएगा सिमिलर। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे। जितने भी बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर हैं, जैसे सर्किल हो गया, स्क्वायर हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो कितने भी सर्किल बनाए सारे सर्किल आपस में सिमिलर होंगे। कितने भी स्क्वायर बनाए सारे स्क्वायर आपस में सिमिलर होंगे। और कितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में बिल्कुल सिमिलर होंगे। तो यहां पर आ जाएगा इक्विलेटरल, तो लिख देते हैं इक्विलेटरल। ध्यान रखना, जितने भी बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर्स होते हैं, जो कि हर तरीके से पूरी तरह सिमेट्रिक होते हैं, सर्किल्स हो गए, स्क्वायर्स हो गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, दे विल ऑलवेज बी सिमिलर। आइए चौथा फिल इन द ब्लैंक्स देखें। चौथा फिल इन द ब्लैंक्स उसी बात पर बेस्ड है जो मैंने आपको समझाया है। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, अगर दो पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड बिल्कुल सेम है, आर सिमिलर इफ, भाई दो पॉलीगन कब सिमिलर होते हैं, कोई भी दो डायग्राम कब सिमिलर होते हैं, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल तो दोनों बराबर होनी चाहिए एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो यहां भर देंगे प्रोपोर्शनल। दो सिमिलर फिगर के एंगल सारे के सारे सेम होंगे और जो साइड्स का रेशियो होगा वो रेशियो सेम होगा, जिसको अपन कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन देखें। आओ सेकंड क्वेश्चन देखें। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखें ये आ गया। यस, सेकंड क्वेश्चन कहता है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर। ये तो पूरी तरह हमारी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। तो अगर हम फर्स्ट वाले के दो एग्जांपल देना चाहें सिमिलर फिगर्स, तो अपन लिख सकते हैं एनी टू स्क्वायर्स। कोई भी दो स्क्वायर ले लें, दोनों स्क्वायर हमेशा सिमिलर ही होंगे। या लिख सकते हैं एनी टू सर्किल्स, कोई भी दो सर्किल ले ले वो हमेशा सिमिलर ही होंगे। दूसरे का एग्जांपल अपन को देना है नॉन सिमिलर फिगर, ऐसे दो फिगर जो सिमिलर नहीं हो। जैसे अपन दो एग्जांपल देने हैं, दो एग्जांपल देते हैं। जैसे अपन ले लें स्क्वायर एंड सर्किल, तो स्क्वायर एंड सर्किल बिल्कुल भी सिमिलर फिगर नहीं है, ये नॉन सिमिलर फिगर है। या अपन दूसरा एग्जांपल दे दें सर्किल एंड ट्रायंगल, तो सर्किल एंड ट्रायंगल भी क्या होगा, बिल्कुल नॉन सिमिलर फिगर्स। आइए थर्ड क्वेश्चन देखें। एक्सरसाइज छोटी सी है, तीन ही सवाल ही है इसमें। चलिए थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन देखें। लेकिन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बेसिक बेसिक चीजों को हमेशा कवर करती है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, बताइए कि दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हैं कि नहीं। ध्यान रखें, दो फिगर सिमिलर तब होंगे जब दो बातें सेटिस्फाई करें। कौन सी दो बातें सेटिस्फाई करें? पहला, उनके एंगल्स
इक्वल होने चाहिए, दूसरा उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो पहला, क्या इनके एंगल्स इक्वल हैं? बिल्कुल भी नहीं, एंगल्स इक्वल नहीं है, क्योंकि यहां पर देखें इसका कोई भी एंगल अपने आप में 90 डिग्री नहीं है, लेकिन यहां पर चार के चारों एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री हैं। बल्कि ध्यान से देखें तो ये वाला फिगर एक रोम्बस है, चारों साइड इक्वल लेकिन एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं, और ये वाला फिगर एक स्क्वायर है। दूसरा चेक करते हैं, क्या इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल है? यस, इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल है। किसी भी सेम कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखें, 1.5/3 इज सेम एज 1.5/3 इज सेम एज 1.5/3 इज सेम एज 1.5/3। जैसे एस आर लेंथ ले लें अपॉन डी सी लेंथ, फिर एस पी लेंथ ले लें अपॉन डी ए लेंथ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, उसको हम कहते हैं साइड्स प्रोपोर्शनल। पी क्यू अपॉन ए बी और क्यू आर अपॉन बी सी, ये आ गया। तो लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है, तो ये दोनों हो गए नॉन सिमिलर फिगर्स। मैंने आपको समझाया हुआ है, दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर केवल एंगल्स इक्वल हैं लेकिन साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है तो भी नॉन सिमिलर होंगे, साइड्स प्रोपोर्शनल हैं लेकिन एंगल इक्वल नहीं है तो भी नॉन सिमिलर होंगे। कोई भी दो डायग्राम अगर सिमिलर होने हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और साइड्स भी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। चलिए आगे की थ्योरी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में।